ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और ये सारे भूत भागेंगे कैसे? कहते जहां अंधेरा होता है वहां भूतों का निवास होता है। जिस घर में, जिस मंदिर में बहुत काल से दीपक न जला हो वहां कौन रहने लगता है? भूत रहने। ये परिपाटी है, आज भी लोग उसको मानते हैं। कहीं भी बाहर जाएंगे कहेंगे हमारे घर में एक बल्ब ही जला देना, अंधेरा नहीं रखना। हम बाहर जा रहे हैं हमारे मंदिर में दीपक जला देना, और दीपक कहीं बुझ जाए तो कहेंगे कोई अनिष्ट हो जाएगा। तो वास्तव में वो प्रतीक है हमारी आत्मा की ज्योति का। तो अंधेरा मिटाने के लिए जरूरत है केवल एक ज्योति जगाने की। तो उस महाज्योति परमात्मा से हम सभी अपनी आत्मा की ज्योत जगाएं, उसके यादगार में आज के दिन जागरण भी करते हैं। तो परमात्मा कहते सदा ही जागृत अवस्था में रहो, कभी भी माया पांच विकारों का अटैक हमारे ऊपर हो सकता है। तो इन को कहा माया है, संपत्ति माया है, घर परिवार माया है। वास्तव में वो माया नहीं है। धन संपत्ति तो समृद्धि की निशानी है, लक्ष्मी जी से और ही धन मांगते। घर परिवार सतयुग में भी था, लेकिन वहां ये पांच विकार नहीं थे। घर परिवार संभालते हुए भी बुद्धि न्यारी और प्यारी थी। तो परमात्मा पिता आकर के हमारे जीवन को कमल पुष्प समान बनाने आया है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी उसे डिटैच रहता है, उसका पूरा घर परिवार कमल लाल डंडे पत्ते आप देखेंगे सब कीचड़ में है और फूल ऊपर खिला हुआ है। इसलिए रुद्राभिषेक भी करेंगे तो कमल का फूल जरूर शिव जी पर चढ़ाएंगे। तो परमात्मा पिता आकर के जो हमें शिक्षाएं दे रहे हैं उनको हमने जीवन में न धारण करके उसके प्रतीक रूप में उन चीजों को चढ़ा दिया। शिव बाबा ने कहा बच्चे अपने मन के वैर भाव को चढ़ा दो, क्योंकि बेर चढ़ाना तो आसान है। और कोई घर में आएगा या कोई बात होगी, जन्मदिन भी ये कहेंगे कुछ नहीं तो गुलगुला ही पांच बना, लेकिन मीठा जरूर बनाओ। और शिव बाबा पे क्या चढ़ाया? गन्ने की गड़ेरी चढ़ा दिया, और पूरा गन्ना भी नहीं चढ़ाते, गन्ने की गांठ चढ़े हैं। आप विचार करो घर में कोई आपके आए और गन्ना खिलाओ तब तो ठीक भी है, लेकिन गांठ क्यों खिलाई? गांठ तो करछाती है। तो कहा पता नहीं शिव बाबा को कौन सी मिठाई पसंद हो तो गन्ना ही चढ़ा दो। गन्ना सभी मिठाइयों का स्रोत है। गन्ना ना हो चीनी ना बने, और चीनी ना हो तो मिठाई कैसे बने? लेकिन देखिए पहले जमाने में माताएं बहने हमारी पढ़ी नहीं होती थी तो डायरी तो लिख नहीं पाती थी, तो वो अपने पास पल्ले में क्या करती थी? गांठ बांध लेती थी। कोई बात याद करनी हो तो गांठ बंधी है, जब जब हाथ पड़ेगा तो याद आएगी ये गांठ क्यों लगाई। किसी से लड़ाई भी होगी तो भी क्या कहेंगे? हम गांठ बांधते आज के बाद आपसे बात नहीं करेंगे। तो परमात्मा कहते वो गांठें खोलो तो आपका जीवन मधुर मिठास से भर जाएगा, तो घर आपका स्वर्ग बन जाएगा।